हाय गाइज, मैं हाजिर हो चुका हूँ एक छोटी सी कहानी को लेकर। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक व पूरी सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इंजॉय करना ही नहीं है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य आपकी सोच, आपके विचार और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। इस कहानी के अंत में आपको इस कहानी का सार समझ में आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने जीवन में बिल्कुल निराश और हताश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, बाबा मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं जो भी सोचता हूँ सब कुछ उससे ठीक उल्टा होता है। मैं पहले सोचता था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं अपने पिताजी को एक अच्छी सी गाड़ी खरीद कर दूंगा, एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। सोचा था अपने बीवी बच्चों को दूसरे शहर में घुमा कर लाऊंगा। लेकिन अब नौकरी तो लग गई पर बाबा इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं, एक अच्छा सा घर बनवा सकूं। जीवन बस ऐसे ही निकलती जा रही है। अब तो जीने की चाह तक नहीं रही। बाबा क्या करूँ, आप ही बताएं। महात्मा जी ने लड़के की सारी बात सुनी और उसे एक फूलों के बागीचे में ले गए जहाँ बहुत ही सुंदर फूल थे। महात्मा जी ने लड़के से कहा कि तुम्हें इस बागीचे में से किसी एक फूल को तोड़कर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी भी फूल को पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जिस फूल को तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया समझो वो तुमसे छूट गया। लड़के ने बागीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। बागीचे में बहुत सारे सुंदर फूल थे, लेकिन लड़का यह सोचकर आगे बढ़ता गया कि इससे भी कहीं सुंदर फूल मिले तो लेकर चलूं। और इसी चाह में वो आगे बढ़ता गया। अब बागीचे में कुछ ही फूल बचे थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे, लेकिन शर्त के मुताबिक वो पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी नहीं तोड़ सकता। अब लड़के के पास एक ही विकल्प था। लड़का एक सूखा फूल तोड़कर महात्मा जी के पास लेकर पहुंचा। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बागीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा फूल तोड़कर लाए हो। लड़के ने महात्मा जी से कहा कि बाबा मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन मैं और भी अच्छे फूलों की चाह में उन सारे सुंदर फूलों को पीछे छोड़ता गया। अब केवल सूखे हुए फूल ही बचे थे जिनमें से मैं एक तोड़कर लाया हूँ। महात्मा जी ने लड़के को दोबारा उसी बागीचे में ले गए और समझाने लगे कि ये जो बागीचा है वो तुम्हारा जीवन है और ये जो सुंदर फूल हैं वो तुम्हारी खुशियाँ। इतने सुंदर फूलों से तुम्हारा जीवन भरा पड़ा है, लेकिन तुम और बेहतर की चाह में इतने सुंदर जीवन को खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। दोस्त, कहानी का सार यही है कि व्यक्ति हमेशा अच्छे के लिए सोचता है और ऐसा सोचना अच्छा भी है, पर और बेहतर की चाह में हम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों को भी दरकिनार कर देते हैं जिसमें हमारी वर्तमान की खुशियाँ समाहित होती है। हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो सब कुछ हमारे मन के मुताबिक हो। और यही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों से भरे जीवन में सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं जिन्हें हमें मजबूरी में जीना पड़ता है। इसलिए दोस्त, अपने वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहें, क्योंकि इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती। जय हिंद।